हेलो एवरीवन, निक्षी किचन एंड व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज निक्षी आप सबके लिए फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई है, जो कि इतनी डेलीशियस और यमी बनने वाली है कि आप इसे देखते से ही बनाओगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, गैस ऑन करके इस पे बर्तन रख दिया है। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, ताकि हम जब दूध डालेंगे ना, नीचे थोड़ा लगे नहीं। तो यहाँ मैं डालूँगी 1 लीटर मिल्क, और ये देखिए मैंने आधा आधा लीटर करके इसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है। इसको ना थोड़ा अच्छा सा गर्म होने देंगे और इसे चम्मच से चलाएंगे। दूध में अच्छा सा एक उबाल आने देंगे, दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम कस्टर्ड बनाते हैं तो कभी पतला हो जाता है तो कभी गाढ़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं इस मेज़रमेंट से बता रही हूँ, आप भी इसी तरह से बनाइए तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी, न ज़्यादा गाढ़ा रहेगा न ज़्यादा पतला रहेगा, बहुत ही डिलीशियस कस्टर्ड बनेगा। तो देखिए दूध भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। इसे 2-3 बार चम्मच से चला लेंगे। 5 मिनट में दूध अच्छा सा गर्म हो गया है। अब यहाँ लेंगे 1 कटोरी और इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और इसको क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। मैं ना जब कस्टर्ड बनाती हूँ तो पानी का ही यूज़ करती हूँ, दूध नहीं डालती हूँ। और ये देखिए पानी डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स ना अच्छे से कीजिए, ताकि इसमें गाँठी वगैरह भी नहीं रहेंगे और इसमें कस्टर्ड पाउडर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और बस ये देखिए कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे साइड में रख देंगे और एक बार दूध को चम्मच से चला लेंगे। तो बस इस वक्त फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और जो हमने कस्टर्ड का घोल तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड है, और इसमें डाल के इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। इसको ना डाले बाद जल्दी से मिक्स करना होता है, तो जल्दी से ये घोल डाल के इससे पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे, वरना क्या होता है इसमें लम्स बनने लगते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी नहीं आती। तो बस हम इसी तरह से इसे कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे, और देखिए ये जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ये वैसे ही गाढ़ा होगा और इसका कलर भी चेंज हो। हम ना इसे 5 मिनट पकने देंगे, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी खत्म हो जाए और ये इसमें अच्छा सा पक जाए। तो इसे 5 मिनट और पकने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं चीनी डाली हूँ 2 कप। देखिए हमने 1 लीटर दूध लिया था, तो इसके हिसाब से यहाँ डाली है हमने 2 कप चीनी, क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अगर आपको और मीठा अच्छा लगता है तो इसमें और चीनी डाल सकते हैं। तो हमने इसके हिसाब से बस 2 कप ही चीनी डाले हैं। और ये देखिए इसे भी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो इसे भी हल्का हल्का चलाते हुए मिक्स कर ले। देखिए हमें इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गया है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसकी पकी हुई खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस देखिए ये बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया है। और जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने रखेंगे ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गैस ऑफ करके ठंडा होने रख दीजिए, और करते हैं इसे सर्व करने की तैयारी। और यहाँ मैंने रख दिया है 1 बड़ा बाउल, और इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड। तो देखना आपने कस्टर्ड कितना अच्छा जल्दी बनके तैयार हो गया है। कस्टर्ड चम्मच भी ठहर रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा बना है। अब कस्टर्ड में डालने के लिए जो भी आपको फ्रूट पसंद हो वो काट के ले लीजिए। जैसा कि यहाँ मैंने लिया है काले हरे अंगूर, केला, सेब, अनार, तो इतने मैंने फ्रूट ले लिए हैं। और सारे फ्रूट्स को कस्टर्ड में डालिए। तो देखा ना आपने कितना आसान है बनाना, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कीजिए, या फ्रिज में इसे ठंडा होने रखिए, और फिर पेश कीजिए ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड। खाने में तो मज़ा ही आ जाए, आए हाय। अगर आप इसे एक बार ऐसे बनाएंगे ना, तो खाने वाले भी पूछेंगे कि कैसे बनाया है। तो देखिए यहाँ फ्रूट डालने हो गए हैं, फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो गया है। और यहाँ लिया है मैंने गिलास, यहाँ हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फालूदा कस्टर्ड। तो सबसे पहले इस पर सब्ज़ा डाल दीजिए, और फिर इस पर डालेंगे ऊपर से स्ट्रॉबेरी, छोटी छोटी कटी हुई स्ट्रॉबेरी मैंने डाल दिया है। और फिर इसके ऊपर डालेंगे चिल कस्टर्ड, और देखिए कस्टर्ड भी हमने डाल दिया है। और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और कटे हुए स्ट्रॉबेरी से,
और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ मैंने बस डाला है काजू, तो यहाँ मैं कटी हुई काजू डाल रही हूँ। और इसके साइड में थोड़ा सा और गार्निशिंग के लिए रखेंगे हार्ट शेप में बना हुआ स्ट्रॉबेरी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड और स्ट्रॉबेरी फालूदा कस्टर्ड बनके तैयार है। आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा फ्रेश फ्रेश फ्रूट कस्टर्ड और साथ में है स्ट्रॉबेरी फालूदा कस्टर्ड, तो दोनों भी चील सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। तो आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। मेरी रेसिपी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ।